हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। आज जो कविता मैं आपके सामने लेकर आया हूं उसका शीर्षक है अफसाना। अफसाना एक ऐसे हालात का जायजा करती है जहां दो प्रेमी अलहदा हो रहे हैं। उन्होंने जहां जीवन साथी बनने का रास्ता चुना था वो किन्हीं कारणों से अब अलग हो रहा है और दोनों अपनी बीती दुनिया को भूल के एक नए जहां की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लेखक हैं श्री राहुल स्वामी, जो एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड म्यूजिशियन, सिंगर, सॉन्ग राइटर और कंपोजर हैं। मेरे वो वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। उनके कुछ वीडियो के लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे डाले हैं। मैं चाहूँगा कि आप राहुल के कंटेंट ज़रूर देखें। और आज ये मेरी खुशकिस्मती है कि राहुल द्वारा लिखित ये कविता राहुल खुद अपनी ही आवाज़ में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सुनते हैं ये अफसाना। एक अफसाना ही सही कुछ तो है जो दिया तूने, अधूरा छोड़ दिलचस्प बना दिया वाकिया तूने। मजबूर हाथों से तोड़कर वो गुलदस्ता, मजबूर हाथों से तोड़कर वो गुलदस्ता, क्या सच में मेरी यादों को मिटा दिया तूने। छीले वो तने जिन पर नाम थे कुरेदे, छीले वो तने जिन पर नाम थे कुरेदे, तोड़ पंछियों का घर ये क्या किया तूने। जलती आग से उड़ती राख में देखे लफ्ज मैंने उनके, जलती आग से उड़ती राख में देखे लफ्ज मैंने उनके, जिन खतों को फाड़कर जला दिया तूने। मुझे देख रोती ही रहोगी या कुछ कहोगी भी, मुझे देख रोती ही रहोगी या कुछ कहोगी भी, खुदा का वास्ता अगर खुद को और परेशान किया तूने। वक्त बेवफा है, वक्त बेवफा है तुम पे इल्ज़ाम ना दूंगी कह के, वक्त बेवफा है तुम पे इल्ज़ाम ना दूंगी कह के, मेरी खातिर हालातों को झुटला दिया तूने। किसी नई दुनिया किसी नई सुबह में फिर मिलेंगे, किसी नई दुनिया किसी नई सुबह में मिलेंगे, एक नया वादा कर फिर मुझे हंसा दिया तूने। एक अफसाना ही सही कुछ तो है जो दिया